हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डेजर्ट एनिमल्स लेसन नंबर 9 फ्रॉम योर हनीसकल बुक। डेजर्ट आर द ड्राइस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन। डेजर्ट जो होता है वो धरती का सबसे सूखा हिस्सा होता है, सूखा स्थान होता है, और यहाँ कई महीनों तक, इवन कई सालों तक भी बारिश नहीं होती है। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉचिंग सन। पर जो वहाँ के जानवर होते हैं वो बिना पानी के ज़्यादा दिन तक तो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक वो नहीं रह सकते हैं उसमें और तिलमिलाती धूप में। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशंस। तो इस बुरी स्थिति से बचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्बल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बोरोज। फॉर एग्जाम्पल, गर्बल्स एक चूहे जैसा जानवर होता है, वो क्या करता है, जब पूरा सन बहुत गर्मी में होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है दिन का, तो वो धरती के अंदर खोदता है और खोद कर उसमें बोरोज बना लेता है। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड डार्किंग बीटल्स आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लैग्स। और इसी तरह एक इंसेक्ट होता है डार्किंग बीटल्स, ये एक्सपर्ट होते हैं अपने पैरों से मॉइस्चर को मुंह में लेने में। देन लिफ्टिंग दैम इन टू द एयर अंटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इन टू देयर माउथ्स। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स, सम ऑफ रॉकी और पेबी एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेज बाय लेदर आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। डेजर्ट सिर्फ रेत के ही नहीं होते हैं, ये आपके पत्थरों के भी होते हैं, बुशेज झाड़ियों के भी होते हैं, जो कि बारिश के मौसम में इसमें क्या होता है, फूल भी आते हैं। देर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नैक्स अराउंड द वर्ल्ड। 2300 डिफरेंट काइंड के, जो मतलब 2300 प्रजातियाँ हैं स्नैक्स की जो कि संसार में हैं, रैगिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स, जो कि क्या होता है, 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर तक के लंबे होते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस, जो कुछ ही स्नेक्स होते हैं जो कि हार्मलेस होते हैं, यानी कि जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। सारे स्नेक्स आपको एकदम से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कुछ ही स्नेक्स होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। बट देर आर अ फ्यू डैट आर सो पॉजिनियस दे कैन किल ह्यूमन बींग विथ जस्ट वन बाइट। पर कुछ स्नेक इतने जहरीले होते हैं कि वो एक ही बाइट में इंसान को, मतलब एक बार काटने से इंसान उसमें वो ख़त्म हो जाता है, इंसान मर जाता है। मोस्ट स्नेक्स लेज एग बट देर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग। कुछ स्नेक्स जो हैं वो अंडे देते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स अ रेदर इविल लुकिंग स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन। अमेरिका के रॉकी डेजर्ट्स में देखा गया है कि जो सूखी जगह पे होते हैं वहाँ बड़े ही खतरनाक स्नेक होते हैं। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड। ये इतने डरावने होते हैं कि जिनकी आवाज़, इनकी जो आवाज़ होती है वो 30 मीटर तक की दूरी तक जा सकती है, और ये बहुत कम ही स्पीड में चल पाते हैं। बट द रैटल स्नेक और रैटलर एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड प्रिफर्स टू अवॉइड पीपल इफ़ इट पॉसिबली कैन। पर जो रैडल स्नेक होते हैं, रैडलर होते हैं, वो अवॉइड करते हैं पीपल को। पहले वो यही पॉसिबल जो होता है कि वो अवॉइड करते हैं किसी भी पर्सन को, उन्हें ऐसे हानि नहीं पहुँचाते। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रैटल्स द एंड वट वेन एवर इट इज़ डिस्टर्ब इन द होप डैट द इंट्रूडर विल गो अवे। पहले वो क्या करते हैं, अपनी जो पूँछ होती है उसको हिलाते हैं, और जो भी कोई घुसपैठिया होता है उसी से उसको वो डराते हैं कि वो चला जाए। However, if its warning are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite. जब कोई उनकी warning को ignore करता है तो, और फिर वो क्या करते हैं, फिर वो काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। But the rattler itself cannot hear the noise its own tail makes. और उनकी जो पूंछ की आवाज़ होती है वो इतनी तेज़ होती है कि जब वो हिलाते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है उनकी पूंछ की, लेकिन वो उस आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि कान, आपको पता ही है सांप के कान तो होते नहीं हैं। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हीयर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द क्राउन। स्नेक्स जो आवाज़ सुन पाते हैं वो वाइब्रेशन से, कंपन से सुन पाते हैं, धरती में होने वाले कंपन को महसूस करते हैं वो लोग, सुन नहीं पाते, उसको महसूस करते हैं वो लोग। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट। अगर कोई पर्सन उनके पास आएगा, वो मूवमेंट करेगा, तो वो उसको महसूस कर लेते हैं कि उनके पास कोई आया है। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग। लेकिन कोई पर्सन उनके उसके चुपचाप आके खड़ा हो जाए और ज़ोर से चिल्लाए तो उसको सुनाई नहीं देगा।
रैटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। रैटल स्नेक्स बड़ा ही कॉमन है, कॉमन से जानवर है जो अमेरिका कॉन्टिनेंट कनाडा टू अर्जेंटीना में मिलता है। ठीक है, दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मैनी अदर। वो क्या करते हैं, वो किस चीज़ का शिकार करते हैं, वो ज़्यादातर करते हैं चूहा हो गया, जैसे माइज हो गए, चिमकम्स भी क्या होती हैं, गिलहरी होती हैं, गिलहरी जैसी होती हैं, उनका शिकार करते हैं, वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो बच्चों आपने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा है कि डेजर्ट एनिमल्स कौन से हैं, जैसे कि मैंने आपको डेजर्ट एनिमल के बारे में बताया कि आपका एक स्नेक हो गया, स्नेक के बारे में बताया कि स्नेक की कितनी वैरायटी हैं, कितने उसमें कितने टाइप के वो होते हैं, और इसमें छोटे छोटे जानवर और भी हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि गर्बिल्स होते हैं, वो कैसे रहते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, और भी बहुत सारे इसमें बताया मैंने आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि डार्कलिंग बीटल्स हो गया। तो ये सभी जानवर जो हैं कैसे अपना डेजर्ट में जीवन व्यतीत करते हैं, उस सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, तो इस चैप्टर को ध्यान से एक बार और सुने, ठीक है बच्चों।